मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर शराब माफियाओं की गिरफ्त में है। लगातार जितने दिनों से आम जनता परेशान है, जनता के लिए कोई राहत नहीं, पर लगातार शराब माफियाओं के आगे घुटने टेकने का काम सरकार कर रही है। जिन छोटे दुकानों मध्यम व्यापारियों की पूरे चीजें बंद है, उनके लिए कोई टैक्स में कोई रियायत नहीं, पर जिन शराब माफियाओं के ठेके हुए हैं और जितने दिन बंद रहे उतने दिन का उनको छूट देने का काम किया। मेरा आग्रह है सरकार से, आज समय आपातकाल का है। हर साल शराब माफिया शराब के माध्यम से कई गुना पैसा कमाते हैं। अगर एक साल जनता के लिए वो पैसा कमाना छोड़ देंगे और जनता के लिए लग जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है। फिर आपने कल एक और निर्णय लिया है कि सारे नियमों को जो हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर पालन करने चाहिए थे उनमें पूरी तरह छूट दे दिए। क्या जनता की जान से खेलने की परवाह है आपको कि नहीं है? स्पष्ट रूप से माफियाओं के आगे डरे नहीं, पर इस मध्य प्रदेश की जनता की आवाज रखें। ऐसा समझ प्रतीत होता है कि सरकार माफिया चला रहे हैं और माफिया जो चाहते हैं उस तरह के निर्णय सरकार से करा रहे हैं।